और सारा चीज इसमें परफेक्ट पड़ा है। वाह, हम तो कहें कि धनिया पत्ती आप मत डालिएगा, अगर आपको बहुत पसंद है तो बात और है। तो इसका मेन फ्लेवर दबा देता है कभी कभी। कितना स्पाइसी दिख रहा है। स्पाइसी तो है। अब ये बताओ ये स्पेशल आइटम नहीं तो क्या? हाँ स्पेशल है तो थोड़ी सा भाई तेल मसाला लगाना पड़ता तब है। भाई ये बनाओ और चावल के साथ खाओ, अपना तो नारा ये है। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम सोया चंक्स की सब्जी बनाएंगे। सोया बरी। हाँ सोया बरी या न्यूट्री जिसको बोला जाता है। हाँ न्यूट्री। तो देखो इसका लिए सबसे पहले तो फर्स्ट इसको करना है कि देखो हम ये पानी खोला लिए हैं। ये हुई ना बात मम्मी, ये पानी खोल गया है। आई 100 ग्राम है, 100 ग्राम न्यूट्रेला है। अब इसको हम गर्म पानी में डाल देंगे। तो इसको बढ़िया बहुत देर तक खोलाना है क्या? नहीं नहीं, इसको एक मिनट से ज्यादा नहीं खोलाना है, नहीं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन खोलाना बहुत जरूरी रहता है इसका, ये जो पानी में ये सब जो निकलता है ना झाग वगैरह है ना, ये पूरा स्मेल और इसका कलर अलग निकल जाता है, अंदर तक उसके निकलना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए ये हो गया, देखिए कितना झाग निकला है, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको पानी से हटा लेना है। अब तो ये बढ़िया साफ हो गया मम्मी, है ना? अब हटा लेना, जब ये ठंडा हो जाए ना तो इसको अच्छी तरह मुट्ठी से इसको निचोड़ के इसका पानी हटा देना है, पूरा पानी निकाल। हाँ पानी निकाल, तब तक इसको अब हम ठंडा होने देते हैं। अब देखिए ये ठंडा हो गया था तो अच्छी तरह हम इसका पानी निचोड़ लिए हैं, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, सॉफ्ट हो गया। हाँ एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब देखो तेल भी गर्म हो गया है, इसमें हम ये 2-3 फुल लौंग तोड़ लिए हैं, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देना है, थोड़ा सा नमक। हाँ थोड़ा सा नमक बिल्कुल, ये थोड़ी सा हल्दी डाल देना है इसमें। ओहो, इसी में हम इसको भूनेंगे सोया बरी को। हाँ सोया बरी को भूनना है इसको। अब देखिए ये भून गया है, हल्का हल्का स्पॉट आ गया इस पर। अब ये क्या है मम्मी? थोड़ा सा हम ये बेबी पोटैटो रखे हैं, मतलब छोटा आलू उबाल के हम छील लिए। आलू ही है क्या? हाँ आलू ही है। इसको भी हम इसके साथ छोटे छोटे आलू बड़े क्यूट दिख रहे हैं भाई। हाँ, क्या बात, किसी के पास छोटा आलू नहीं है तो बड़ा आलू भी काट के डाल सकता है। लेकिन ये मम्मी जबरदस्ती खरीद के लेके आई है। हाँ, मम्मी हाँ, को बड़ा पसंद है। हाँ, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम खरीद के लेके आए हैं। तो इसको भी भून लिया जाए। हाँ, बस इसको एक आध मिनट भून के गैस को बंद कर देना है। अब देखिए उसी बर्तन में हम तेल डाल के, देखिए एक प्याज को ऐसे फ्राई कर लिए हैं हम। प्याज फ्राई हाँ निकाल लिए हैं और ये भी हाँ, तैयार हाँ, हो गया। उसी में फ्राई करके ही निकाल लिए हैं। अब देखो तेल भी गर्म हो गया है, थोड़ा सा जीरा है, दालचीनी है, 2 तेजपात है, इसको हम डाल देंगे। अब जीरा भी फूल गया है। अब एक प्याज को हम बारीक काट लिए हैं मम्मी, एक मतलब प्याज बारीक काटा रहेगा, ऐसे हाँ, कच्चा रहेगा हाँ, जो कि यहाँ पड़ जाएगा। हाँ, एक फ्राई रहेगा और एक फ्राई कर लेंगे उसको, है ना? और उसको पीस के पेस्ट बना लेंगे। हाँ पीस के पेस्ट बना, बिना पानी का पीसना है, बिना पानी का पेस्ट। हाँ ठीक, अब इसको लाल होने तक भूनेंगे। अब देखिए प्याज ये छोटा छोटा काट लिए थे वो जल गया है। अब यहाँ जला नहीं मम्मी, तल गया। तल गया है, जला नहीं है, देखिए कितना बढ़िया हो गया है, देखिए। हाँ, तल गया है भाई, जल गया है। कुछ लैंग्वेज है ना। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ कश्मीरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी ये हल्दी डाल देंगे। अच्छा ये तो है मम्मी, आप लोग जल गया मतलब तलने को, पक गया कुछ, जल गया। पक तो हम लोग बोलते ही नहीं, पक मतलब आम जैसे पक गया, इसको हाँ, 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 जल गया है। अब देखो यही अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाँ, डाल दिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का। हाँ, भर के है भाई। हाँ, गजब गजब, इसका जैसे ही कच्चापन दूर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अब हम यहाँ मसाला सब डाल लेंगे। तो 1 चम्मच ये धनिया पाउडर है, 1 चम्मच ही हम मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार डालना है। अब बाकी हल्दी तो डल गया है, थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डाल दिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी अदरक लहसुन हाँ, की जलने की। हाँ, और देखिए यहाँ कुछ कुछ हम खड़े गरम मसाले थे वो पीस लिए हैं डाल के ना, बड़ी इलायची था, छोटी इलायची, लौंग, जायत्री था। हाँ, इनका पेस्ट बना लिया आपने, पेस्ट बना है ना। इसको मिक्सर बॉक्स में दे देंगे। 1 टमाटर है, इसको डाल देंगे। और देखिए जो प्याज हम पीस के रखे थे ना, हाँ हाँ हाँ, पानी के, इससे बहुत अच्छा कलर भी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ मेरे को लगता है थिकनेस भी अच्छी आएगी, थिकनेस भी अच्छी आएगी। आइए हम 2-3 चम्मच हम दही डाल देंगे, दही। हाँ इस सब को हम भूनेंगे नमक डाल के, इतना अच्छा इसका मतलब खुशबू और टेस्ट आएगा मम्मी। ग्रेवी तो मतलब क्या बोलूं, अगर किसी से यहाँ कसूरी मेथी डालना है या कुछ और डालना है अपनी पसंद के अनुसार तो डाल सकता है। अभी हम इसको भून रहे हैं, मिला के बढ़िया से भूनेंगे। हाँ, फिर हम दिखाते हैं। अब देखिए ये मसाले को हम अच्छी तरह भून लिए हैं।
क्या बात है, कलर मसाले में कलर देखने लगा है। हाँ मम्मी ये कलर बताऊँ क्यों आया है? हाँ। वो जो आप खड़े मसाले को पीस के जो उसका हाँ। पेस्ट डाली हो ना हाँ। उसका जादू है ये पूरा। हाँ। पेस्ट देखो ओह काफी मिर्ची डाला है, क्या बात है। बस इसको हमको डाल देना है। डाल दो भाई, मैं थोड़ा दूर कर लेता हूँ। मम्मी लेकिन मेरे को ये गोल वाली अलवी देख के ना मजा सा आ गया है। अच्छा, बड़ी क्यूट दिख रही है वो, पता नहीं क्यों। हमेशा अलवी यही तो बोलते हैं। सही में अलवी बोलते हैं क्या? अच्छा मैं तो मजाक में बोल रहा था, अलवी नहीं, पुराने लोग अलवी बोलते थे छोटा आलू को। बड़ा वाला हुआ आलू तो छोटा वाला होगा अलवी। अलवी ओह मम्मी भाई को तो लग रहा है ऐसे ही कोई खा ले भाई, थोड़ा सा भूख लगा है ऐसे ही खा ले। अब देखो इसमें जरूरत के अनुसार अपने पानी डालना है। देखो ये गाढ़ा ही अच्छा लगता है इसका ग्रेवी। बस सही बोली मम्मी, इसका ग्रेवी मतलब पतला नहीं है। ये नान उन के साथ खाओ या जीरा राइस बेहतरीन। हर चीज क्या है वो तो अपने पसंद के ऊपर है, वो उस चीज को खाओ। मम्मी मेरी पसंद तो आप जानती हो ना। हाँ चावल पता है। गाइस लेकिन इस समय तुम्हारा भाई डाइटिंग कर रहा है, समझ रहे हो ना। हर हफ्ते आधा किलो वजन डाउन कर रहे हो। सबको बता दो खुशखबरी, समझ रहे हो ना। तुम्हारा भाई एकदम फुल डाइटिंग पे है। कहीं कहीं बर्दाश्त नहीं होता तो डाइटिंग तक तोड़ देते हो। हाँ वो तो चलता है यार थोड़ा थोड़ा। देखो अब यहाँ गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना क्योंकि हम पीसा हुआ जो गरम मसाला डाला हुआ है। डाला हुआ है और सब कुछ। अब किसी को धनिया पत्ती वगैरह पसंद हो तो डाल ले। हाँ, हाँ, हाँ। अब इसको हमको मीडियम आंच पर करके करीब 4-5 मिनट एकदम धीमे धीमे होने देना है। ठीक है। अब देखिए 4-5 मिनट खोलने के बाद हम इसको बंद कर दिए थे। बताओ मम्मी क्या बना है? देखिए ओ भाई थोड़ी और गाढ़ा पानी तो ही सोख कर। मम्मी क्या बना है, क्या बात है। ओहो ग्रेवी देखो गाइस, ग्रेवी देखो बहुत दानेदार बढ़िया एकदम हुआ है। क्योंकि मम्मी वो जो प्याज आपने जो फ्राई करके डाला था ना यार, उसका जलवा है ये पूरा। देखो जिमी भी आ गई खुशबू से, और सारा चीजें इसमें देखो परफेक्ट पड़ा है। वाह हम तो कहें कि धनिया पत्ती आप मत डालिएगा, अगर आपको बहुत पसंद है तो बात और है। तो इसका मेन फ्लेवर दबा देता है कभी कभी। कितना स्पाइसी दिख रहा है ये। स्पाइसी तो है। अब ये बताओ ये स्पेशल आइटम नहीं तो क्या? हाँ स्पेशल है तो थोड़ी सा भाई तेल मसाला तो लगाना पड़ता है। रोज रोज कौन बनाता है इसको भाई? ये बनाओ और चावल के साथ खाओ, अपना तो नारा ये है। है कि नहीं मम्मी? हाँ, इसको जिस चीज से पसंद है भाई खाए। मम्मी की बनाई हुई सब्जी बनाओ और चावल के साथ खाओ। और वीडियो को जरूर भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्राई जरूर करें। मम्मी और अगर किसी को कुछ सवाल होगा तो वो कमेंट में पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, जो कि आप हमेशा देती हो। हाँ जितना हो सकता है हम जवाब देते। बहुत अच्छी लग रही मम्मी, बहुत अच्छी लग रही सब्जी। क्या बात।